ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में अगर आ जाए तो ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखिए। देखते ही ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर देंगे। कैसे, अब ये देखिए, 2 का पावर 50, 5 का पावर 25 में बड़ा कौन है, 5 का पावर 100 और 20 का पावर 50 में बड़ा कौन है, 100 का पावर 50 और 80 का पावर 100 और 70 का पावर 150 में छोटी संख्या क्या है। ऐसे प्रश्नों को देखते के साथ आप 25 का 25 दुने 50 2 दुने 4 2 दुने 4 और ये 5 का पावर 1 देखते के साथ बोलेंगे कि ये संख्या बड़ी है। उसी प्रकार से इसमें 85 का 50 दुने 100 5 का पावर 2 25 और ये 20 का पावर 1 20, ये संख्या बड़ी है। देखते के साथ ऐसे प्रश्नों को भी कर पाएंगे, 51 जा 52 जा 100 और 3 जा ये। अब इसमें 100 का पावर 1 100, 80 का पावर 2 8 8 64 00 और ये 70 का पावर 3 7 7 49 49 सत्य। अब इसको कर लेंगे 9 7 63 इसमें 6 सचियों के 28 6 34 343 और ये चूंकि 10 का पावर 3 भी है साथ में तो इसको क्या करेंगे 3 टाइम्स 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि छोटी संख्या कौन है, 100। तो ये भी आपने बता दिया बहुत तेजी तरीके से। ऐसे प्रश्नों को भी आप दिखते के साथ में ही सॉल्व कर देंगे। जैसे देखिए 2 का पावर 50 और 4 का पावर 25 में छोटी संख्या कौन सी है, तो आप ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे, पहला 2 का पावर 50 और यहाँ पे 4 का पावर 25 दोनों का HCF ले लेंगे। जो HCF समझते होंगे आप कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 50 और 25 का 25 है, 25 एक 25 दूने 50 2 का पावर 2 4 और 4 का पावर 1 तो ये दोनों कैसा है, बराबर संख्या है, छोटी इसमें संभव नहीं है। तो इसमें ऑप्शन में आपका रहेगा छोटी संख्या कौन है, लेकिन ऑप्शन जब आपको देगा तो ऑप्शन में रहेगा कि क्या दोनों बराबर है, या ये 2 का पावर 50 ऑप्शन में रहेगा, 4 का पावर 25 भी दोनों बराबर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें 3 का पावर 100 10 का पावर 50 में छोटी संख्या कौन सी है, 50 एक 50 दूने 100 3 का पावर 2 9 और 10 का पावर 1 ये बड़ी संख्या। ठीक है, नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा। ये 5 का पावर 30 6 का पावर 90 और 8 का पावर 60 में छोटी संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर देखिए 30 90 और 60 इसमें से आपका HCF क्या होगा, 30 90 और 60 इसका HCF क्या होता है, आप खुद से समझ देखते ही आप बता सकते हैं कि HCF इसका 30 है, जिससे वह छोटी से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे कि वो तीनों संख्या क्रॉस हो जाए कट जाए। ये 30 एक 30 या 90 3 60 पावर यही चीज़ काट के लगा देंगे, जब 30 जिसमें पावर है उसमें 1 लगा देंगे, जिसमें 90 है उसको काट के 3 लगा देंगे और जिसमें 60 है पावर उसमें 2 कर देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 5 का पावर 1 का वैल्यू 5 है, यहाँ का वैल्यू 6 6 6 6 36 36 6 अब देखेंगे 36 6 कितना होता है, 6 6 36 और 3 6 18 3 21 216 तो यहाँ पर वैल्यू है 216 और यहाँ पर वैल्यू है 64 में छोटी संख्या कौन सी है, 5 का पावर 30 तो आपका आंसर होगा 5 का पावर 30। अब यहाँ पर देखेंगे उसी तरीके से 5 10 और 15 इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 5 इसलिए है कि 5 से तीनों ही डिवाइड होगा, 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 3 15 अब इसका नया पावर आ गया 50 का पावर 1 100 का पावर 2 25 का पावर 3 में छोटी संख्या कौन सी, देखने से ही पता चला ये 50 का पावर 1 है, ये भी इसका आंसर हो गया। इस तरीके से चारों प्रश्न को आप बिल्कुल 2 से 2.5 मिनट होते होते में आप 4 प्रश्न आप लोगों ने सॉल्व कर लिया।